फ्रेंड्स, सब लोग माइक ऑफ करो अपना अपना बेटा, माइक म्यूट करो सब लोग, जितने लोग हो। अगर किसी के माइक ऑन रही तो उसे आज हम यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे, दोबारा कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कल हम लोग बात किए थे अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कूलम्स लॉ। हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और कूलम के नियम के बारे में कल डिस्कशन किए, तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। और कल ये आया था हमारे पास बहुत सिंपल सा कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं, जैसे एक पॉइंट चार्ज आपका Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज आपका Q2, और ये दोनों एक दूसरे से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं और उसका फार्मूला कर निकाला गया, तो वन अपॉन फोर पाई ई सेवन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब हम यही बात करते हैं फॉर एयर आर स्पेस के लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एयर आर स्पेस, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम यूज करते हैं ऑलरेडी 1, तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर एयर और स्पेस के की वैल्यू यूज करेंगे क्या 1, और के की वैल्यू 1, तो एफ इक्वल टू 1/4 बाई ई सेवन नाउ एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, और इन सारे कैलकुलेशन बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 9 10 9 एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि ईयर Q1 बराबर Q2 और दोनों 2, अगर Q1 बराबर Q2 है सो एफ बना क्या 9 10 9 एंड क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल के लिए आपके पास बन गया फार्मूला। अब हम इस पे एक आध दो एग्जाम्पल कर ले, जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल तो आप लोगों ने दिए ही होंगे। जैसे हम कंपेयर करें, हम दो फोर्स पढ़ चुके हैं, एक आपने अलेवन में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन और एक आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों के बीच कंपेयर करी जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल व स्थिर वैद्युत बल में तुलना, इन दोनों में हम कंपेयर करें। और कंपेयर हम स्टार्ट कहां से करें, बहुत छोटे छोटे कणों से, लाइक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग तुलना करें बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात तुलना किसकी करी जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स के। मान लो कहीं भी यूनिवर्स में किसी मीडियम में दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं समथिंग आर, तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है और इलेक्ट्रॉन के पास आवेश भी होता है, और द्रव्यमान है तो वैद्युत बल सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और आवेश है तो कौन सा बल लगेगा वैद्युत। ठीक, अगर द्रव्यमान है तो कौन सा बल लगा गुरुत्वाकर्षण, और आवेश है तो कौन सा बल लगा स्थिर वैद्युत बल। तो आओ हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन के मास की, तो 9.1 × 10⁻³¹ kg। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो −1.6 × 10⁻¹⁹ होगा, तो दोनों बल लगेंगे, एक कौन सा लगेगा, एक आपका लगेगा कौन सा वैद्युत बल, हमने इसको नाम दिया एफपी। और अभी फार्मूला पढ़े हो 9 × 10⁻¹⁹, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे आवेश क्या होगा बराबर क्यू स्क्वायर, और दूरी क्या हुई आर स्क्वायर, ये कौन सा बल हुआ, आप लिख सकते हो अपनी सुविधा अनुसार वैद्युत बल। और इसी तरह से दूसरा कौन सा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल हम इसे नाम दे सकते हैं एफ जी। अगर एफ जी बोले तो फार्मूला क्या बना था, जी M1 M2 दोनों द्रव्यमान क्या है बराबर,
और दोनों द्रव्यमान बराबर है तो एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तुलना का मतलब क्या हुआ, समीकरण एक डिवाइडेड बाई और एक को अगर दो से डिवाइड करो तो ये बना एफ की बाई एफ जी। अब देखो आप 9 में 10 के घात क्या आ रहा है 9 और क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपने अनिबंध में जी की वैल्यू पढ़ी रखी है 6.67 10 टू पावर माइनस 11 एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आप देखो आप डिवाइड कर रहे हो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एफ ई बाई एफ जी ये आया क्या 9.67 10 के घात, इसको ऊपर ले जाओ प्लस 20 11 और 9 20 बचा गया क्यू स्क्वायर बाई इज दैट ओके। अब देखो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखी इसी इवोल्यूट करना है। हमने दोनों वैल्यू रखी है, ईएम ही रखा है और क्यू रखा है, आपको यहां क्यू रखना है यहां एम ही रखना है और दोनों को कैलकुलेट करना है। एक हम कर देते हैं पूरा कंप्लीट, इसके बाद हम आपको दो होमवर्क दे देंगे। अब आप वैल्यू रखो देखो एफ ई बाई एफ एफ लुक 9.10.20 बाई 6.67 और क्यू की वैल्यू अभी आपने टेबल बना के लिखा था 1.6×10⁻¹⁹ है होल स्क्वायर। एम ई की वैल्यू एम की वैल्यू अभी एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³¹ होल स्क्वायर। अब आप इसे इवोल्यूट कर लो तो एफ ई बाई एफ एफ लुक 9×10⁻², 1.6 स्क्वायर दस बिकम 2.56 10⁻³¹ एंड अगेन 6.67 10 और यहां देखो 9.1 है होल स्क्वायर। 9.1 का स्क्वायर क्या होगा 82.81 अब आप इसे डिवाइड करोगे तो 256 में 10वां हटा दो तो ये बना कितना 256 ये कितना 9 256 में 9 का गुणा करो तो 256 नौ कितना होता है 2304 ठीक है। और दो प्लेस पे डेसिमल है तो दो प्लेस पे यूज करो डेसिमल नंबर। इसके बाद पावर्स को कलेक्ट करो लुक -62 एंड +20 दैट बिकम +82 और ऊपर 10⁻³¹ नेगेटिव पड़ा हुआ है और अपन अब इसका मल्टीपल कर लो दैट बिकम 552.34। जब आप मल्टीपल करोगे ये कैलकुलेशन आपके हो जाएगा लुक एफ ई बाई एफ एम दैट्स 23.04 10⁻⁴ लुक 82 - 38 बाई। अब इसे आप लिख सकते हो 5.5 10⁻²। राउंड फिगर यूज करते हैं हम लोग ताकि कैलकुलेशन सिंपल कर सके। तो ये आप ऊपर ले आए एफ ई बाई एफ आया कितना 23.04 5.5 10⁻⁴⁰ 10⁻⁴² तो अब आप इसको डिवाइड करो तो दैट बिकम 4.1×40। अलेबल में आपने ऑर्डर पढ़ा है और ऑर्डर मतलब कोटिमान पढ़ा है और कोटिमान में क्या पढ़ा है कि अगर जो गुणांक हो
ये 10 टू पावर 4.1 से जो गुणांक हो 3.16 से अगर बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, तो हम घात में एक ऐड कर दें, तो हम ऑर्डर की बात करें तो एफ बाई एफ एम दैट्स 10 to power 43, सो एफ इज इक्वल टू 10 to power 43 टाइम्स ऑफ एफ जी, नॉट एफ एम, दैट इज एफ जी। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर रहे हैं ना, हम लोग यहां पे गुरुत्वाकर्षण यूज करेंगे एफ। अब सोचिए आप एफ ई दैट्स 10 to power 43 टाइम्स ऑफ एफ जी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत बल है इलेक्ट्रॉनों के लिए, वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, 10 to the power 43 गुना 10 to power 43 टाइम्स। तो ये तो हो गया कंपेयर इसके लिए बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग कंपेयर करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और फिर कंपेयर करेंगे बिटवीन टू प्रोटॉन्स। नेक्स्ट कंपेयर जो हमारा होता है, हो गया सब लोगों ने इसे कर लिया, जो हमारा कंपेयर होता है नेक्स्ट वो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच। तो वही पुरानी केस आप यूज कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक प्रोटॉन, ये किसी मीडियम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए और वो डिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हो स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है 9.1 × 10⁻³⁰, केजी। प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी 1.67 × 10⁻²⁷। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, -19 पूरा। अब हमें दोनों बल चाहिए, पहला कौन सा चाहिए, वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो फॉर्मूला क्या बना, एफ 9 × 10⁻⁹ और होता क्या है Q1 Q2, तो QE × QP/R। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज अलग, फिर कौन सा बल लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। सो एफ जी फॉर्मूला जी गिवन, आप सीधे रख के चले जाओ 10⁻⁷ होता क्या है M1 M2 अपान, क्या होता है M1 M2 upon R² तो पहला मास ME, दूसरा मास MP upon R² that's it. अब हमें तुलना करनी है, तो तुलना करने का सीधा सा मतलब है क्या करना है, हम एक दूसरे को डिवाइड करना है। यहां पर वही काम जो पहले किया हुआ लास्ट टाइम, समीकरण 1/Fe/Fg, अब Fe/Fg 9 × 9 QE QP, देखो R² यहां भी है और R² यहां भी है, दोनों R² एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये बना 6.67 × 10⁻¹⁰ MP। तो अब फिर से वही पुराना कैलकुलेशन Fe/Fg (9 × 10⁻⁹) और इस पावर को ऊपर ले जाओ तो 20 हुआ, 6.67 QE × QP ME × ME। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना के लिए फार्मूला। अब आपको रीडिंग सब दी है,
क्यू ई दिया है, क्यू पी दिया है, केवल वहां पर रखना है, मल्टीपल करना है। फिर एम ई दिया है, एम पी दिया है, वहां पर रखना है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे, हो जाएगा सबका कैलकुलेशन। तो इसके बाद इसी तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। किसके लिए कंपेयर करेंगे? बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। और सेम वे अगर हम बात करें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन व प्रोटॉन के बीच, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच कंपेयर किया है तो करना कुछ नहीं है, सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जैसा हम लोग करते आए हैं। डिस्टेंस आर यूज करेंगे, और जब यहां पे आप आए आओगे, अगर दो प्रोटॉन लेके चले तो अब इलेक्ट्रॉन का काम खत्म है, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का काम खत्म है, केवल हम यूज करेंगे किसको? प्रोटॉन्स। और यहां भी जो हमने क्यू ही रखा है, अब आपका क्या हो गया, दैट इज क्यू पी स्क्वायर। और फिर यहां भी जो हमने एम ही रखा है वो क्या हो जाएगा, एम पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों कैसे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स। ठीक, इसके बाद आप यहां पे आओगे तो फिर वही काम करना है, एम ई को हटा के केवल स्क्वायर यूज करना। ये फार्मूला बन गया जिसकी हेल्प से दो प्रोटॉनों के बीच हम बायरत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर सकते। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बात करी जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसके बायरत बल की विशेषताएं, इसके बायरत बल की विशेषताएं। तो पहली विशेषता हम आवेश की प्रकृति से बता सकते हैं। आवेश की प्रकृति कैसी, कि सब लोग पढ़े हो कि धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अगर सजाती हुए तो, और विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित। इसका मतलब इसकी प्रकृति दोनों होगी कि प्रकृति क्या होती है, आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक, दोनों होती। दूसरी चीज, ये सभी प्रकार की दूरियों पे लागू होगा, चाहे बहुत क्या होगा, सभी प्रकार की परासों पर, परास का मतलब दूरी, पर लागू होता है, लागू होता। तीसरी चीज, अभी हम तुलना से सीखे हैं, तीसरी चीज को तुलना से क्या सीखे हैं, कि ये एक प्रबल बल होता है। कैसा बल है? यह एक प्रबल बल बल है। अभी आपने तुलना करी ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए तुलना करी, 10^43 गुना आया वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब तुलना करोगे तो 10^39 गुना आएगा, और इसी तरह जब प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए करोगे तो 10^36 गुना हमें ये प्राप्त होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा क्रिया प्रतिक्रिया, फोर्थ प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपने क्या, क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया
पर। एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन का मतलब दो आवेश हो क्यू वन और क्यू टू, जितना बल क्यू वन लगाएगा क्यू टू पे उतना ही बल क्यू टू लगाएगा क्यू वन पे, मतलब दोनों बल बराबर होंगे लेकिन दोनों के परिमाण एक दूसरे के बराबर परंतु दिशाएं विपरीत। जैसे हम दो वस्तुएं ले लें ए और बी, मान लो इस पर आवेश है इस पर क्यू वन और इस पर क्यू टू, तो एफ ए बी मतलब ए के द्वारा बी पर बल, अगर एफ है तो एफ बी ए भी क्या होगा एफ, अंतर क्या आएगा एक अगर धन होगा तो दूसरा ऋण, तो इसका मतलब दोनों के द्वारा लगने वाले बलों का अनुपात एफ ए बी बाई एफ बी ए, ए बी का मतलब ए के द्वारा बी पर आरोपित बल, बी ए का मतलब बी के द्वारा ए पर आरोपित बल, इन दोनों बलों का अनुपात हमेशा क्या आएगा एक, लेकिन दिशाएं क्या होंगी विपरीत। ये हो गया आपका एक्शन रिएक्शन। नंबर फोर संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल, संरक्षी बल है तो संरक्षी बल क्या होते हैं कि वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, बीच की स्थितियों पर निर्भर नहीं करता, कैसा बल कहलाता है आपका संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, ये हो गई इसकी विशेषताओं की बात। अब देखिए कुछ समय के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल में डिस्कस होता है आपका कि दो आवेश लिए जाएं, तो दो आवेश दोनों को हम अलग अलग माध्यम में रखें, जैसे मान लो एक आवेश आपने Q1 रखा एक आवेश आपने Q2, बोला गया ये माध्यम ये K1 माध्यम है जिसका परावर्तनांक, ये दूसरा माध्यम है K2 जिसका परावर्तनांक कितना है K2 है, तो कहा जाए अभी इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता लगाओ, तो कैसे लगाओगे आप, तो उसके लिए हम मान अभी कि दोनों आवेश अभी इस एक एग्जांपल का एक टाइप देख रहे हैं, ये टाइप वन हुआ कैसे फोर्स पे क्वेश्चन बनेंगे, टाइप वन क्वेश्चन, दो आवेश हैं अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं क्यू वन और क्यू टू और इनके बीच क्या बनी है वाई, तो दूरी कितनी हो गई आर ए, आर ए का मतलब डिस्टेंस इन एयर बिटवीन द चार्जेस। इसके बाद तो बल लगेगा वन अपॉन फोर फाइव ई सेवन नॉट और वायु का परावर्तनांक तो एक होता ही है, तो एक हो गया क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इन्हीं आवेशों को हमने रख दिया कहां किसी माध्यम में, मान लो हमने इन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया, ये Q1 ये Q2 ये हो गया आपका कोई माध्यम जिसका परावर्तनांक है K, तो माध्यम में बल कितना लगेगा F M फोर्स इन मीडियम, तो फॉर्मूला क्या बना वन बाई फोर बाई ई फाइव नॉट के और Q1 Q2 क्यू बाई आर स्क्वायर बनेगा। अब हमें जो फॉर्मूला बनाना है कि माध्यम और माध्यम की दूरी को वायु की दूरी में हम कैसे बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे वो देखो, मान लिया जाए कि यदि एफ एम बराबर एफ ए, एफ एम बराबर एफ ए तो एफ एम वन अपॉन फोर पाई ई सेवन नॉट के और क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, या इस माध्यम की दूरी को हम लोग कुछ मान लें अपनी आवश्यकता अनुसार, मान ले आर एम है तो यहां लगाएंगे आर एम स्क्वायर, यहां लगाएंगे आर एम स्क्वायर और वाल के बीच लगने वाला बल वन अपॉन फोर पाई ई सेवन नॉट और क्यू वन क्यू टू बाई क्या हो गया आर ए का स्क्वायर। अब जो इक्वल चीजें हैं जैसे क्यू वन क्यू टू है ये कैंसिल हो गया, फोर बाई ई सेवन नॉट के है फोर बाई ई सेवन नॉट है वो कैंसिल हो गया, बचा क्या वन बाई के वन बाई आर एम स्क्वायर वन बाई आर ए स्क्वायर,
उल्टा कर लो तो आर ए स्क्वायर आर एम स्क्वायर साथ में के, तो आर ए बराबर क्या हो गया आर एम अंडर रूट के। ये एक ऐसा फॉर्मूला बन गया, एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जिसकी सहायता से हम किसी माध्यम की दूरी को बदल सकते हैं, किसमें वॉल की दूरी में, और फिर इसका यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लो क्योंकि बहुत कंपल्सरी है, ऐसे क्वेश्चंस खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिस्कस होते हैं, तो इसलिए इनको आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे प्रॉब्लम हम बना सकते हैं, इसी पे प्रॉब्लम रफ कर दें। चलो सब लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखो जैसे इसी पे बेसिक हमारा ये फॉर्मूला बना, इसी से हम सब कुछ करेंगे, कैसे वो देखो। जैसे एग्जांपल, ये टाइप वन है, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल मान लो आपके पास दो आर ए समझ लेंगे, एक है आपका 5 माइक्रो कूलाम का, एक है आपका 4 माइक्रो कूलाम का, और ठीक इसको 1 सेंटीमीटर और ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक है 4, ठीक, और ये वायु भर दी गई एयर, और ये दूरी कितनी हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया कि दो माध्यम है, दो अलग अलग दो आवेश हैं, दो अलग अलग माध्यमों में रखे गए हैं, 5 माइक्रो कूलाम का आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर किसी 4 परावर्तकांक वाले माध्यम में रखा है, और 4 माइक्रो कूलाम का आवेश 3 सेंटीमीटर दूरी तक वायु भरी गई है, तो बताना है हमें इन आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान। तो देखो अब हमने अभी सीखा क्या है, जो अभी हमने किया, हमने ये सीखा को कोई आवेश अगर माध्यम में है तो उसकी दूरी को बदलने किसमें वाल में, और फॉर्मूला क्या आया था आर ए बराबर आर एम और अंडर रूट के, इज दैट ओके। देखो अब आर एम कितना है, माध्यम में दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे 1, माध्यम का परावर्तकांक कितना है 4 है, तो 4, अब 4 का वर्गमूल सब लोग जानते हो 2, तो वायु की दूरी कितनी बन गई 2 सेंटीमीटर, और एक अलग दूरी है ही वो किसमें है वायु में है, तो हमें उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो अतः कुल दूरी की बात करें तो 2 × 3 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10^-2 मीटर बनेगा। इसके बाद अतः बल फॉर्मूला 9 × 10^9। अब हमने इसमें इसको किसमें बदल दिया है, हमने इसको किसमें बदल दिया है वायु में, और अगर वायु में बदला है तो इस फॉर्मूले में हमें परावर्तकांक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायु का परावर्तकांक कितना होता है 1। तो देखो ये बना आपका Q1 Q2 / R² क्या बना आपका Q1 Q2 / R² 9 × 10 9 Q1 आपके पास कितना है 5 माइक्रो कूलाम, तो ये बना आपका 5 × 10^-6 Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलाम, तो 4 × 10^-6 ना सोच में आए तो Q1 कितना है 5 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो को बदलोगे तो प्रीफिक्स है 10^-6 Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलाम, तो 4 × 10^-6 कूलाम, और फिर वायु में दूरी कितनी है 5 × 10^-2 तो देखो 45 × 180 / -12 + 9 तो -3 हुआ, स्क्वायर करोगे 125 हो गया, 10^-4 हुआ, ऊपर आया
लिया हो गया 180 गुणे 10 के घात 1 बटा 25। फिर से हल करो इसे, इसे लिख सकते हो 18 गुणे 100 बटा 25, बनेगा 25 में 1, 25 400, 18 72 न्यूटन। मतलब दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगा, 72 न्यूटन का बल आरोपित तो होगा अगर दोनों इस स्थिति में रखे गए हैं तो। ठीक, तो आज की क्लास का टाइम फिनिश होने वाला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कल रखेंगे इसके बारे में। ओके, सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तुम ग्रुप में हो कि नहीं हो? तो ग्रुप में पता चल जाएगा, किसी से पूछ लेना, अभी कोई शेड्यूल नहीं है। नोट कर लो भाई।